R9 टीवी पर बड़ा खुलासा, कपिल मिश्रा और ताहिर हुसैन पर बड़ा खुलासा सामने आया है। ताहिर हुसैन और कपिल मिश्रा का कनेक्शन, ताहिर हुसैन के घर में रहा कपिल मिश्रा का चुनावी कार्यालय, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ा खुलासा इस वक्त आप देख रहे हैं। 2013 विधानसभा चुनाव का वक्त था जहां चुनाव में ताहिर के घर में था कपिल मिश्रा का चुनाव कार्यालय। 2017 नगर निगम चुनाव में कपिल मिश्रा के प्रयास से मिला ताहिर को टिकट। गहरे दोस्त रहे हैं ताहिर और कपिल मिश्रा। जिसको दिल्ली हिंसा का गढ़ माना जा रहा है, तो ये जो घर आप देख रहे हैं, ये निलंबित आम आदमी पार्टी से जो पार्षद हैं ताहिर हुसैन, ये उनका घर है। और यहाँ पर काफी सामान मिले थे, पेट्रोल बम जो था वो मिला था, काफी पत्थर वगैरह जितनी भी चीजें जो दंगे में यूज की गई हैं वो यहाँ पर मिली थी। लेकिन एक चीज और यहाँ पर दिलचस्प चीज सामने आ रही है कि जिन्होंने बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने जिन पर ये आरोप लगाए हैं और जिन्होंने ये वीडियो भी पोस्ट की थी जिसमें दिखाया गया था कि ताहिर हुसैन उसमें शामिल है, उनका दफ्तर भी 2013 में विधानसभा के जब चुनाव थे तो उनका दफ्तर भी इसी बिल्डिंग में माना जा रहा था और इन लोगों की काफ़ी गहरी दोस्ती भी हुआ करती थी। इनकी दोस्ती तब जाकर ख़राब हुई जब कपिल मिश्रा जो है बीजेपी पार्टी में पहुंचे। तो यहाँ पर सबसे अहम ये होता है कि ये जो घर जहाँ से ये हिंसा शुरू हुई, आज से पहले कुछ साल पहले 2013 में कपिल मिश्रा का दफ्तर हुआ करता था, दोनों के बीच काफी जो है गहरी दोस्ती हुआ करती थी। लेकिन आज वो समय है, कपिल मिश्रा ने ही ताहिर हुसैन पर आरोप लगाए हैं, वीडियो वायरल किए गए हैं और यहाँ पर कल SIT की टीम भी पहुंची थी। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी किस तरीके से अभी घर को सील कर रखा है। यहाँ पर जो है पुलिस भी पूरी तरीके से जो है तैनात है और यहाँ पर SIT की टीम आई थी, सैंपल लेके गई है, जांच पूरी शुरू हो चुकी है। ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी ने निलंबित भी कर दिया है, जांच पूरी तरीके से जो है वो शुरू हो चुकी है। कैमरामैन केसर के साथ मैं फराह खान, R9 TV।